हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है। उस संस्कृति का संदेश स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में दिया है। संस्कृति से हम जुड़े रहें, संस्कार से हम जुड़े रहें, आज के युग में बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से आज के कार्यक्रम का बहुत महत्व है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए कायाकल्प हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कांगड़ा जिले के पालमपुर में आयोजित स्वामी विवेकानंद जन्म महोत्सव समारोह के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कही। हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है। उस संस्कृति का संदेश स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में दिया है। संस्कृति से हम जुड़े रहें, संस्कार से हम जुड़े रहें, आज के युग में बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से आज के कार्यक्रम का बहुत महत्व है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए कायाकल्प हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कांगड़ा जिले के पालमपुर में आयोजित स्वामी विवेकानंद जन्म महोत्सव समारोह के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कही। ये दिन हर साल पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास कुछ वक्त के लिए याद रहता है, लेकिन उसके बावजूद आज स्वामी विवेकानंद के संदेशों का महत्व उतना ही है जितना शिकागो के भाषण के दौरान और भारत भ्रमण के दौरान उनने अपने भाषण और संदेश दिए थे। आज उनकी हर बात तर्कसंगत है। अपनी युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम प्रेरित करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और जीवन के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए इस तरह का आयोजन वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी की शिक्षाएं कई लोगों के लिए प्रेरणा थी और उनके शब्द आत्म सुधार के लक्ष्य बन गए, खासकर देश के युवाओं के लिए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी जातिगत भेदभाव के खिलाफ थे और सार्वभौमिक भाईचारे और समानता में विश्वास करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व के कारण भारत दुनिया के सुपर पावर के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है। अनुच्छेद 370 और 35 ए इतिहास बन गया है और भारत में अब एक संविधान और एक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में केंद्र में मजबूत नेतृत्व के कारण संभव हुआ। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि CAA केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था और राज्य के लोग इस फैसले के पीछे थे, क्योंकि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को इन देशों में भेदभाव के कारण नागरिकता प्रदान करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उद्घोषणा प्रतियोगिता के राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। इस अवसर पर 104 छात्रों को सम्मानित किया गया। उन्होंने हाल ही में ABBP द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए। मुख्यमंत्री ने विवेकानंद ट्रस्ट की ओर से अपने ऐच्छिक निधि से 11 लाख रुपए की घोषणा की। कायाकल्प हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट को 8.50 लाख रुपए देने की घोषणा की। ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है, इसलिए हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है और उस संस्कृति का संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में दिया है। संस्कृति से जुड़े रहे, संस्कार से जुड़े रहे, ये आज के इस युग में बहुत आवश्यक है और इसकी आवश्यकता हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम का बहुत महत्व है और इस महत्व को पूरा करने के लिए हमारे विवेकानंद ट्रस्ट की ओर से जो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो जिस प्रकार से यहाँ पर ये सफल आयोजन यहाँ पर जो करने का जो माध्यम बना, मैं सभी को बधाई देता हूँ, विशेष तौर से आदरणीय श्री शांता कुमार जी को। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आदरणीय श्री शांता कुमार जी ने एक नया काम जिसको आपने शुरू किया था, चाहे तो 7 दिसंबर 1992 को शुरू किया था आपने ये पालमपुर में ये जो विवेकानंद ट्रस्ट का जो गठन किया गया था, और उसके बाद ये जो है यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट के रूप में, कायाकल्प के रूप में अपनी पहचान आज भारत के अंदर तो भारत के विभाजन होने के बाद जो पाकिस्तान में चले गए, वो वहां है, वो धर्म के आधार पर राष्ट्र बन गए, लेकिन भारत ने तय किया कि हम धर्म निरपेक्ष रहेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री और अध्यक्ष विवेकानंद ट्रस्ट शांता कुमार ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि विवेकानंद ट्रस्ट छात्रों के बीच स्वामी विवेकानंद के शिक्षण के प्रसार के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि लाहौल और स्पीति जिले को छोड़कर राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 30,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों को स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षण के बारे में पढ़ने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने छात्रों से स्वामी के शिक्षण को अपने जीवन में आत्मसात करने और अच्छे इंसान बनने का आग्रह किया। इस मौके पर शांता कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़ा। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी, शिक्षा मंत्री श्री शिवाकर जी का विशेष धन्यवाद करूंगा। सरकार का पूरा सहयोग मिला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने सभी शिक्षा अधिकार को संदेश दिया और पहली बार हिमाचल प्रदेश का लगभग 1,000 स्कूल कॉलेज उनमें प्रतियोगिता हुई और लगभग 30,000 छात्रों ने भाषण दिए। 1,000 शिक्षा संस्थाओं में प्रतियोगिता में 30,000 छात्रों ने भाग लिया और उन 30,000 छात्रों में से हर संस्था से एक श्रेष्ठ वक्ता, 1,000 संस्थाओं से 1,000 वक्ता चुने गए। उसके बाद विद्यार्थी परिषद के सहयोग से 18 उपकेंद्रों पर दूसरी प्रतियोगिता हुई और उससे भी जो सबसे श्रेष्ठ 36 प्रतियोगी चुने गए उनकी अंतिम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कल यहां पर हुई। इस प्रकार आप कल्पना करिए 30,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उनको भाषण की तैयारी करने के लिए एक अध्यापक को जरूर लगाया गया होगा, बच्चों ने अपने माता पिता को पूछा होगा, कितने परिवार जुड़े स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के लिए। मैं सच कह रहा हूं, बहुत प्रसन्नता इस कार्यक्रम से है, इस दृष्टि से ऐतिहासिक कार्यक्रम।